मैं क्यों कॉन्सेप्ट बना के चलो कि सुबह 10 बजे जूस पीना चाहिए, 12 बजे खाना चाहिए, लंच खाना चाहिए, डिनर खाना चाहिए, मैं क्यों नियम बनाऊँ भैया? मेरा शरीर ही नियम है, मेरा शरीर मुझे बोलेगा खा लो तो खा लेता हूँ, शरीर बोलता नहीं खाना तो नहीं खाता हूँ, सिंपल सी बात है। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एन के शर्मा, द अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, स्वास्थ्य के लिए कभी कुछ करना मत, वरना बीमार पड़े रहोगे, क्योंकि जितना तुम कर्ता भाव में जियोगे ना, तुम्हारा जीवन उतना ही दुखी रहेगा। जीवन की जितनी भी सुंदरतम चीज़ें हैं ना दोस्तों, उन सब में नहीं करना ही उसका वास्तव में आनंद लेना है। अगर आप स्वास्थ्य के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास करोगे ना, तो आप बीमार पड़े रहोगे। और अगर आप प्रेम के लिए एफर्ट करोगे तो आप प्रेम को चूक जाओगे। अगर आप शांति के लिए खूब प्रयास करोगे तो शांति को चूक जाओगे। और अगर आप ध्यान करने का प्रयास करोगे तो ध्यान को चूक जाओगे। जानते हो क्यों? कि जीवन की जितनी सुंदरतम चीज़ें हैं ना, उनको कभी करना नहीं पड़ता, उनके कोई नियम नहीं होते, उसमें से बाधाएं हटा देनी पड़ती है बस। तो दोस्तों, जैसे कोई यूँ कह रहा हो, मैं शांति के लिए बहुत एफर्ट करता हूँ, मैं तरह तरह के नियम अपनाता हूँ। दोस्तों, शांति के कोई नियम नहीं होते, अशांत होना बंद करना पड़ता है। इसी तरह स्वास्थ्य के कोई नियम नहीं होते, बीमार पड़ना बंद करना पड़ता है। स्वास्थ्य तो मिला मिलाया है। मैंने तो हर वीडियो में दोस्तों ये बात कही है ना कि स्वास्थ्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारा बर्थ राइट है, हमें मिला मिलाया, हमें गिफ्टेड है, हमें तो इसके काम में बाधा नहीं डालनी है बस। शरीर को बीमार पड़ने का शौक नहीं है, शरीर को जबरदस्ती बीमार करना पड़ता है, कारण देने पड़ते हैं। शरीर तो बीमार न पड़ने के लिए विरोध करता है, लेकिन आप कारण देते हो तो शरीर को मजबूरन बोलना पड़ता है। नहीं तो दोस्तों, स्वास्थ्य तो आपका ऑलरेडी शरीर का मूल स्वभाव है। तो इसीलिए स्वास्थ्य में जितना तुम एफर्ट करोगे ना, इसका मतलब ये हुआ तुम्हारे अचेतन मन में कहीं न कहीं तुम बीमारी की सोच को रख रहे हो। तो दोस्तों, स्वास्थ्य के जितने भी तुम तरह तरह के नियम अपनाओगे, तुम तरह तरह के आहार अपनाओगे, तुम जितना हेल्थ के प्रति कॉन्सेप्ट क्रिएट करोगे ना, हेल्थ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ध्यान रखना, हेल्थ हमारा बाय प्रोडक्ट है, हेल्थ हमारा अंतिम परिणाम है। तो इसीलिए आप सिर्फ शरीर के भाषा के साथ बहने की कला सीखो। शरीर आपको गाइड करता है ना कि भूख लगे तो खाओ, नहीं तो मत खाओ, है इतनी सिंपल सी बात। क्यों साइकोलॉजिकल और टाइमली खाना खा रहे हो भैया? अगर खाओगे तो चढ़ेगा पेट में, और खाओ तो सिंपल आहार खाओ ना, क्योंकि शरीर एक साथ बहुत सारे आहार को तो डाइजेस्ट नहीं करता, सिंपल सी बात है। और फिर दो तो पूर्ण आहार दो ना, आग और मशीन में बर्बाद करके दोगे तो तुम्हारा शरीर कैसे चलेगा, कैसे नॉर्मल काम करेगा, कब तक करेगा? है इतनी सिंपल सी बात ना। और तुम्हारा शरीर तुम्हें गाइड करता है ना कि कितना पानी पीना चाहिए, प्यास के द्वारा तुम्हें गाइड करता है ना, पानी के भी तुम नियम बना के चलते हो, जबरदस्ती के नियम। अगर सही आहार खाओगे तो क्यों फालतू पानी पीना पड़ेगा तुम्हें? तुम तो अगर तुम फल मेवे सलाद अंकुरित दालें जैसे नेचुरल रॉ फूड पे हो तो इतना पानी मिलता है कि तुम्हें पानी की तो जरूरत भी नहीं पड़ती, बता रहा हूँ मैं। और तुम पानी के नियम बना के जिए जा रहे हो, सुबह इतना ग्लास पानी पियो, खाने के पहले भी इतना पियो, बाद में इतना पियो, न इतने नियम में तुम उलझ के रह गए हो। और जब शरीर को सही आहार दोगे तो अपने आप शरीर विषाक्त नहीं होगा, तो ऊर्जा प्रबल रहेगी ना, अपने आप शरीर भागने का मन करेगा ना। दोस्तों, आज ये चिड़िया को कौन कहता कि तू उड़, ये बंदर को कौन कहता कि तू इतनी छलांगे मार, हिरण को कौन कहता कि तू स्पीड से दौड़ लगा? दौड़ते ही ना दोस्तों, क्या इनके पीछे कोई डंडा लेके पड़ा हुआ है? क्या इनको कोई कह रहा है कि तू एक्सरसाइज नहीं करेगा तो तुझे ब्लड प्रेशर हो जाएगा, तुझे जॉइंट पेन हो जाएगा, तुझे डायबिटीज हो जाएगी कोई, या तू मोटा हो जाएगा, कोई कहता है इनको ऐसे? अरे जब सही आहार खाओगे तो इतनी एनर्जी फूटेगी कि तुम एक्सरसाइज किए बिना रह नहीं पाओगे, तो वो भी तो नेचुरल है ना। और थकोगे
तो नींद तो आएगी ना अपने आप में। तो दोस्तों जब शरीर हर तरफ से नेचुरल अपने आप में चल रहा है, बह रहा है, तुम क्यों बीच में टांग अड़ा रहे हो? मैं तो मेरे स्वास्थ्य के लिए कभी कुछ नहीं करता दोस्तों। भूख लगे तो खाता हूँ, नहीं लगे तो वेट करता हूँ। मैं क्यों कॉन्सेप्ट बना के चलो कि सुबह 10 बजे जूस पीना चाहिए, 12 बजे खाना चाहिए, लंच खाना चाहिए, ना डिनर खाना चाहिए। मैं क्यों नियम बनाऊँ भैया? मेरा शरीर ही नियम है। मेरा शरीर मुझे बोलेगा खा लो तो खा लेता हूँ, शरीर बोलता नहीं खाना तो नहीं खाता हूँ। सिंपल सी बात है। और वो कहता है कि लाओ भाई 1 गिलास पानी नहीं, 4 गिलास पानी लाओ। गर्मी में ऐसा हो सकता है बोल दे तो मैं 4 गिलास पी लूँगा। शरीर बोलता नहीं भैया आधा गिलास ही बस है, 2 घूंटी बस है, मैं 2 घूंटी पीऊँगा। मैं क्यों नियम बनाऊँ पानी पीने के? और सही खाना खा रहा हूँ, अच्छी क्वालिटी का खाना खा रहा हूँ, तो दोस्तों मुझे तो मोशन के बारे में, पेशाब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। घंटी बजे तो बाथरूम चला जाता हूँ। तो आप क्यों नियम बना के चलते कि सुबह 6 बजे आना चाहिए, 7 बजे आना चाहिए, नहीं इतने बजे आना चाहिए? अरे तुम तो सही ढंग से खाओ ना, शरीर अपने आप सोचेगा कि कब करना है उसको, तुम वेट करो ना। तो दोस्तों मैं तो कभी नहीं सोचता कि मेरा मोशन कब आना चाहिए, मैं क्यों सोचूं? ये सारा काम धंधा शरीर कर ही रहा है ना बेचारा। हाँ, शरीर के बीच में मैं बाधा नहीं बनता, मेरे कॉन्सेप्ट नहीं बनाता, सीधी बात है। और फिर थकोगे तो नींद तो आएगी ना भाई, तो सो जाना। और जागने के लिए भी मैं कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनाता कि सुबह 3 बजे उठना चाहिए, 4 बजे उठना चाहिए, 5 बजे उठना चाहिए, मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं बनाता। मैं थक जाता हूँ तो सो जाता हूँ, और जब नींद मेरी अपने आप स्वाभाविक खुलती है मैं तभी आँख खोलता हूँ बस। तो दोस्तों भूख लगे तो खाता हूँ, प्यास लगे तो पानी पीता हूँ, घंटी बजे तो बाथरूम जाता हूँ, और थक जाए तो सो जाता हूँ, ताकत लगे तो काम करता हूँ, और जब मेरा शरीर आँख खोले तो मैं आँख खोलता हूँ। तो दोस्तों मेरे पास कहीं पर भी है ना कोई हेल्थ का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई हेल्थ का एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है। आई एम जस्ट फ्लोइंग विद द लॉस ऑफ नेचर, आई एम जस्ट फ्लोइंग विद द लॉस ऑफ माई बॉडी। तो दोस्तों जीवन में बहना सीखो, इस तरह के सारे नियम बना बना के मत चलो। दोस्तों बीमार हो तो तुम चाहे जितने 50 प्रकार के हंगामे कर लो, 50 प्रकार के टोटके कर लो, कोई वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन कम से कम हेल्थ के लिए, शांति के लिए, प्रेम के लिए, ध्यान के लिए कुछ भी मत करो। तुम करना बंद कर दो, यही चीजें सिर्फ बच जाएगी बस। तो दोस्तों जीवन एक बहाव है, संघर्ष नहीं है, लड़ाई नहीं है। तो आज के बाद स्वास्थ्य का प्रयास छोड़ दो और मस्ती से बहना सीखो। फिर आऊंगा नया वीडियो लेकर।